तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आया हूँ तारा पार्क, पिशावर में मौजूद है, हयातबाद में मौजूद है। ओ यार, बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखने आते हैं, आसिब आप तारा पार्क क्यों नहीं जा रहे? यार तारा पार्क में रखा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये चमन नजर आ रहा है आपको, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको झूले दिखा दूँ, कौन कौन से झूले हैं। और यार मुझे बहुत अफसोस भी होता है, मैं आगे जाकर वीडियो में बताऊँ मुझे क्यों अफसोस हो रहा है। तारा पार्क आगे तो बहुत ही खूबसूरत पार्क है, कह लो फैमिली पार्क है, और बच्चों के लिए पार्क नहीं है। मैं भी इसे बताऊं, आई एम सॉरी बाबू। इसके बिल्कुल नज़दीक ही BRT स्टॉप भी मौजूद है, आप BRT स्टॉप के जरिए भी बआसानी तारा पार्क आ सकते हो। यहाँ पर 20 रुपये टिकट है तारा पार्क का। एक टाइम होता था यहाँ पर बोट्स चलती थी, बच्चे होते थे छोटे छोटे, वो बोट्स चलाते थे। तो मेरे पास वो वीडियो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो आपने वो वीडियो देखी, छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पर बोट्स चलाते। अभी ये देखो ना, बोट्स ना कुछ चीज़ में, ये जगह सूख चुकी है यार। मैं नीचे उतर के आपको दिखाऊँ? छोड़ो यार, नहीं दिखाता मैं आपको, और भी जगह पर झूले वगैरह देखा ना यार, वो अभी नाकार हो चुके। ये क्यों? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दी। क्यों यार, आप पेशावर में पहली बात पार्क नहीं है, कुछ चंद पार्क है उनमें, उनका भी ये हाल है। और ये खूबसूरत जगह इतना कह सकता हूँ, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बच्चों के लिए जो जगह है ना, प्लेइंग एरिया, वो ख़त्म हो चुका है। मैं जाके वो झूले वगैरह जो नजर आए वो दिखा हुआ आपको। तो उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मैसेज जो लोग देख रहे हैं उनको देना चाहता हूँ, जहाँ पर भी देख रहे हो आप, जिस शहर में, जिस मुल्क में भी है, नए मेहरबानी करके आप जिस पार्क में जाए डस्टबिन यूज़ क्या करें, डस्टबिन में जो भी वेस्ट मटेरियल आप डस्टबिन में डाला करें। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, क्योंकि पार्क की खूबसूरती रहती है बरकरार, क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो तंग आ जाते हैं सब साफ कर करके, उनकी आसानी भी हो जाएगी और आप एक अच्छा शहरी होने का सबूत भी देंगे, क्योंकि डस्टबिन किस लिए उन लोगों को लेने लगा है, आप डस्टबिन में मराए मेरा बानी करके गन वगैरह फेंक। तो अभी मैं आपको तारा का कैफेट एरिया बताता हूँ, ये कैफेट एरिया भी काम कर रहे हैं, नहीं इसमें चीज़ें वगैरह मौजूद है कि नहीं। आगे जाके मैं आपको देखा था यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद है कैफेट एरिया में, कि नहीं बिल्कुल बंद है जुलों की तरह। तो अभी मैं आपको कैफेट एरिया में ये देखो कितनी बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने दी हुई है, मजे की बात बताऊँ कैफेटेरिया बंद है झूलों की तरह यार। क्यों बंद है आप मुझे बताएं, क्यों बंद है यार? यार हमें इतनी दूर से आने ये वीडियो शूट करने के लिए आपको मैं बता नहीं सकता, फिर भी लिहाजा देखो कैफेटेरिया बंद है यहाँ पर। यार मेरा मन ही करके झूले वगैरह कैफेटेरिया शूट कर दे, लोग फैमिली के साथ आते हैं यहाँ पर, और कुछ चीज़ भी नहीं होती। मुझे बहुत सारी कमेंट सेक्शन आए थे यार, आप वीडियो लेके आओ तारा की, तारा में हो ना, झूले चल रहे हैं यहाँ पर, वो जो बोटिंग सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया, और ये देखो कैफेटेरिया भी बंद है। मैं आपको जाके अभी झूले दिखाता हूँ। तो आप मेरे पीछे झूला नजर आ रही है, अभी नहीं काम कर रहा, क्यों? मेरे पास एक वीडियो, आप वो मुलाजा कर, उसके बाद मैं मिलता हूँ। ये उस टाइम झूला कितने अच्छे तरीके से वर्क में था, यहाँ पर बच्चे झूले लेते थे, अब बहुत बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम था। तो आपने ये वीडियो देख ली, देखो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम कुछ भी नहीं सकते क्योंकि अभी झूले काम नहीं कर रहे। तो और झूले में दिखाता हूँ जो वर्किंग में नहीं है। यार अभी मैं रेड गाड़ी के पाटली के बीच में लेटा हूँ, अभी मैं खुदकुशी करने वाला हूँ। क्यों आप लोग पूछेंगे क्यों? मुझे कोई बचाने भी नहीं आ रहा यार यहाँ पर किसी ज़माने में। यार बस अभी रेड गाड़ी नहीं चल रही यहाँ पर, बहुत अच्छी रेड गाड़ी चलती थी एक ज़माने में। गाड़ी चलती थी वो भी झूले के लिए, बच्चे जहाँ पर झूलते थे। तो मैं एक बार इस गाड़ी में चक्कर लगाया था, 50 रुपये टिकट तक का कितना, बहुत आसानी के साथ। तो और मैं आपको दिखाता हूँ रेलगाड़ी अभी कहाँ किस हाल में मौजूद है, अभी मैं वो रेलगाड़ी भी आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं अपनी रेलगाड़ी में आ चुका हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ डायरेक्ट पेशावर से लंदन की तरफ। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। रेलगाड़ी खड़ी है, वही पाटली है जो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको रेलगाड़ी दिखाता हूँ जिस पार्टी को मैं खुदकुशी करने वाला था। तभी देखो मैं कैसे पड़ा हूँ यहाँ पर, अगर गाड़ी चल ही नहीं जुटे, चल ही नहीं रहे। तो फाइनली एक दिन आएगा, आई खैर यार, तो फाइनली एक दिन आएगा इंशाल्लाह, ये जूटे वगैरह सब कुछ चलेंगे और फिर ही मैं आऊँगा इंशाल्लाह, फिर मैं इसका रिव्यू दिखाऊंगा, ये कैसे काम करे, क्या क्या करे इंशाल्लाह। वो दिन बहुत जल्द आने वाले इंशाल्लाह। मैं आपको फनलैंड में देखा था, जहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियाँ क्या होती थी, हम एक दूसरे के साथ टकराते थे, वो गाड़ियाँ देखा था अभी उनका क्या हाल है। चलो तो फाइनली मैं आ चुका हूँ फनलैंड, वो छोटी छोटी कारें क्या होती थी, इसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, वहाँ पहले आप वीडियो मुलाजा करें, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। Thank you.
आपने वो वीडियो देख ली, अब वो वीडियो उस वीडियो से इस वीडियो का कंपैरिजन कर, अभी इसमें क्या हाल है, पहले ये पार कैसा था, अब ये कैसा है। वो देखो बच्चे हैं, वो एक दूसरे से गाड़ी चला रहे हैं, टकरा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था, फनलैंड था, फनलैंड से कह भी सकते हैं, अभी फनलैंड का नामो निशान ही नहीं है। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता अबे। तो और भी यहाँ पर कुछ झूले बैठ चुके हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये किश्ती वाले झूला नजर आ रहे हैं, ये भी और झूलों की तरह बंद हो चुके हैं, क्यों, इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो यार। अभी ये तारा पार्क उस हाल में नहीं है जिस हाल में होना चाहिए। यार कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसकी पावर हो, मैंने मेहरबानी करके बच्चों के लिए पार्क के झूले जो है मेरा मेहरबानी करके एक्टिव कर दे, खोल दें, और कुछ भी ना, यहाँ पर बच्चे आते हैं झूले लेते हैं, आपको भी रिन्यू मिलेगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और भी जाता हूँ मैं आगे, और भी आपको झूले दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे बदकिस्मती के साथ एक और झूठा मौजूद है, मैं इसके ऊपर खुश मनाऊँ, गम करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं। ये भी और झूठे की तरह इन लाइन बंद हो चुके हैं, मर चुके हैं यार, पता नहीं ये कब शुरू होगी। और मैं आपको यहाँ का टिकट घर दिखाता हूँ, यहाँ पर हम टिकट लेके हर एक झूठे में घूम सकते थे, झूले झूल सकते थे, पर टिकट घर में आपको दिखाता हूँ। आप देखें टिकट घर का क्या हाल हो चुका है। और ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है ग्रीनरी के लिहाज से, मतलब दरख्त है यहाँ पर, चमन है, और बहुत अच्छे हैं। और इन अदरवाइज बच्चों के लिए जो प्ले एरिया के सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है यार। आप लोग कितनी रिक्वेस्ट करते हैं तारा पार्क रखा गया है, बस फैमिली के लिए आओ, यहाँ पर पिकनिक मनाओ और जाओ, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं टिकट लेने वाला हूँ, यहाँ पर तो कोई बैठे नहीं हुआ जिसे टिकट लो, या झूलो की तरह माशाल्लाह टिकट घर के भी ये हाल हो चुका है। जो मिकी माउस वगैरह था उसके जो निशान है वो भी मिटने वाले हैं, और यहाँ पर बस किस से टिकट लूँ, टिकट घर में कोई बंदे नहीं बैठा हुआ, बैठा होता तो मैं झूल लेता यहाँ से टिकट लेता, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ रेट लगे हुए 70, 50, 40, 40 और 30। और देखो हर चीज़ मना, बस क्या कह सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह अगली बार मैं जब आऊँगा यहाँ पर ये झूले जो है वर्क में होंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ बच्चे मच्चे घूम रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ उनको तारा पार्क अब कैसा लग रहा है, ये क्यों मतलब क्यों आते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर ना झूले काम कर रहे कुछ भी नहीं। तो इनसे पूछता हूँ, ये मदरसे के बच्चे मुझे लग रहे हैं, चलो इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आप तारा पार्क आए क्यों आए यार, अभी तो यहाँ पर झूले वगैरह भी नहीं काम कर रहे। हमें बस मदरसे से छुट्टी मिली, हमने क्या चक्कर मार ली। अब खफगान नहीं होता यार, यहाँ पर अभी झूले वगैरह वर्किंग में नहीं है, कोई झूला भी नहीं काम कर रहा, वो रेड गाड़ी जो पीछे नजर आ रही है पहले वो भी काम करती थी, अभी वो भी नहीं कर रही, बस दिल खफा हो जाते हैं। अच्छा तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, हम आए चक्कर के लिए, वो बस झूले बंद है, अब क्या कर सकते हैं। चलो यार ये देखो ये भी कह रहे झूले बंद, इधर से तारा पार तक ना झूले मूले करने की तस्सा भी लगवाड़ी सब आया कहना यार। तो चलो यार ये शर्मा गया, ये हाल है यार, देखो बच्चे आते हैं यहाँ पर, ये इनकी ये ख्वाहिश होते हैं आओ यहाँ पर कुछ झूले वगैरह लो कुछ भी करो, बदकिस्मती के साथ झूले वगैरह नहीं काम कर रहे यहाँ पर वो। ये भी उन झूलों की तरह ये भी अभी वर्किंग में नहीं है, बस इतना ही मैं आपको इसके बारे में कह रहा, और कुछ भी नहीं कहना चाहता यार। तो मेरे पीछे आपको ये मशीन सी नजर आ रही है, आपको ये क्या चीज़ है, मेरे पास आप ये वीडियो देखें आपको वीडियो के बाद पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है यार। अपनी वीडियो देखी आपको पता चल गया ये क्या चीज़ है, अभी देखो इस चीज़ का क्या बदहाल हो चुका है यार। यहाँ पर एक बैल सा होता था, आप उसके ऊपर बैठते थे और ये आपको हिलाता रहता था, तो आप गिर गए नीचे तो आप हार जाते थे, आपको जो पैसे थे वेस्ट हो जाते थे। अभी देखो माशाल्लाह खाली एक मोटर सी नजर आ रही है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक टाइम आएगा इंशाल्लाह ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे पीछे एक और झूठा आ चुका है, ये देखिए ये भी एक झूठा झूलने के लिए झूठा है। तो देखो ये पहले कैसे था, इसकी मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं आपको वीडियो दिखा दूँ आप उससे अंदाज़ा लगा सकती है। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है रुमान, इसको मैं बहुत ही मुश्किल से ले कहता हूँ यार, ये डिजिटल मार्केटर है, बिल्कुल किसी को लिफ्ट नहीं करता, अमेजोन भी कर रहे हैं यार, बस ये बहुत हाई स्टैंडर्ड पर है, हम यूट्यूबरों के साथ ही आते नहीं है। गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ। आपको ये था तारा पार्क कैसा लगा, क्योंकि मेरे तुम दोस्त हो, मैं बहुत ही मुश्किल से मिन्नत करके तुम लोगों को लेके आता हूँ, कैसा लगा मुझे बताओ, कुछ इंजॉयमेंट किया यहाँ पर के नहीं? हाँ इंजॉयमेंट किया, आपने वीडियो भी बनाई बहुत अच्छा लगा। अच्छा यार मेरी तारीफ मत करो, पता ही आप मेहनत करते हैं और वीडियो के लिए इतने मेहनत करते हैं, लेकिन लाइक वगैरह नहीं आते। देखो तो एक मिनट मैं बता नहीं मैं तारीफ क्यों कर रहे हैं,
ये डिजिटल मार्केटर है, ये घर बैठे बैठे डॉलर्स कमा लेते हैं। हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है घूमने फिरने पड़ता है। देखो अभी ये देखो कितना मासूम, इतने मासूम है नहीं। समझ रहे हो ना। इंशाल्लाह अगले जितने भी वीडियो होंगे मैं आपके साथ। चलो देखो ये वादा कर इंशाल्लाह इसको मैं वीडियो में, और कैमरा मैन मेरा शर्मा रहा है वो वीडियो में नहीं आना चाहता। तो मिलूंगा बहुत जल्द एक अगली वीडियो में, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो में। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लो यार, बेल आइकन दबा दो। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, बहुत अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।